दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे गार्डनिंग। अगर आपको भी पेड़ पौधों का बहुत शौक है और आप भी चाहते हैं बहुत खूबसूरत खूबसूरत पौधे अपने गार्डन में ऐड करना, तो हमारे चैनल से कनेक्टेड रहिए, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको ऐसी देते हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल हो। तो चलिए दोस्तों, आज बात करते हैं इस प्लांट की। जो आप प्लांट देख रहे हैं, बहुत खूबसूरत सा प्लांट है ये, इसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ आपको ऐसी टिप्स भी बताई जाएंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है अगर आप भी चाहते हैं इस तरीके के पौधे अपने गार्डन में ऐड करना। तो दोस्तों, जैसे कि मैं बता ही रही थी ये पौधा कौन सा है, तो चलो पौधे के बारे में बता देते हैं। इस प्लांट का नाम है वैक्स बिगुनिया। वैक्स बिगुनिया की इतनी सारी वेराइटीज़ आती हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं। ये भी एक तरह का परमानेंट प्लांट है, बट जो इसकी फ्लावरिंग का टाइम है वो है विंटर। इस टाइम मेरे फूल पे, मेरे प्लांट पे हो रही है फ्लावरिंग, तो ये विंटर का ही टाइम चल रहा है। जनवरी है, जनवरी का सेकेंड जनवरी है, और विंटर का ही बहुत अच्छा सा टाइम है और विंटर में ही ये फ्लावरिंग करता है। तो बाकी ये है परमानेंट प्लांट, बट इसमें फ्लावरिंग सिर्फ विंटर टाइमिंग में होगी। और आपको पता है इसमें इतनी सारी वेराइटीज़ आती हैं, इवन मतलब थाउजेंड ऑफ वेराइटीज़ बिगोनिया की आती हैं। उनके डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर्स के कलर होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ये लीव्स के भी कलर होंगे। तो जो मेरे पास ये बिगोनिया है, इसका पर्पल कलर का कुछ ये लीफ का फॉइलेज है और पिंक कलर के इसके फ्लावर्स हैं। और इसमें और भी डिफरेंट डिफरेंट कलर की फॉइलेज का ये आता है, लीव्स का फॉइलेज और डिफरेंट कलर के फ्लावर्स का कलर के फ्लावर्स आते हैं। तो दोस्तों चलो बात कर लेते हैं कुछ बिगुनिया के कुछ इम्पॉर्टेंट्स बात, कि कैसे आप इसकी केयर कर सकते हैं और कैसे आप अपने गार्डन में इसको ऐड कर सकते हैं परमानेंटली। तो ये मैंने नर्सरी से लिया था कुछ टाइम पहले, अप्रॉक्सीमेटली इसको टाइम हो चुका है 15 से 20 दिन। तो मैंने इसको आते ही एक दो दिन में रिपोर्ट कर दिया था। मैंने इतने बड़े ये होगा 6 टू 8 इंच के अराउंड ये पॉट है, इसमें मैंने इसको रिपोर्ट करा है। क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो बहुत शैलो हैं, इतनी ज़्यादा लंबी नहीं है, तो आप इसको छोटे पॉट में भी रख सकते हैं, तो उसमें भी बहुत अच्छे से ग्रो करेगा, बहुत अच्छे से चलेगा। जिनकी रूट्स ज़्यादा लंबी होती हैं, टैप रूट्स होती हैं, लंबी रूट्स होती हैं, तो उनको हमें अच्छा बड़ा पॉट देना होता है, ताकि जब वो ग्रो करें तो उनकी जो रूट्स हैं वो बाहर ना निकले पॉट से। और उनके अगर रूट्स को पूरा वे नहीं मिलेगा तो फिर वो ग्रोथ नहीं करेंगी, उनकी जो ग्रोथ है वहीं स्टॉप हो जाएगी। तो इसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो इसकी रूट्स हैं वो शैलो हैं, तो ज़्यादा रूट्स नहीं फैलेंगी, बट हाँ प्लांट इसी में बहुत अच्छे से ग्रो कर जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही इसको इतने बड़े पॉट में लगा दिया था। तो इसकी हम बात कर लेते हैं दोस्तों पहले पॉटिंग मिक्स की। जब हमने इसकी पॉटिंग मिक्स कैसे तैयार करी, पॉटिंग मिक्स में इसमें आपको क्या रखना है, आपको एक रेशो बनाना है। वो रेशो ऑलमोस्ट मैं आपको अपनी हर वीडियो में शेयर करती हूँ, अगर आपने देखा होगा। अगर आप मेरी वीडियो, आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर और मेरी डेली वीडियोज़ देखते हो, जब तो मैंने एक रेशो आपको पता ही रखा है कि हमेशा आपको 40 या 50 का आपको रखना ही रखना है गार्डन सॉइल। 40-50 का रेशो आप गार्डन सॉइल का रखो, और हाफ हाफ रखो आप सैंड का और कंपोस्ट का। अगर आपके पास काउ डंक नहीं है कंपोस्ट में, तो आप वर्मी कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, काउ डंक है तो वो और बेटर है। दोनों में से आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इन रेशो का मिक्सचर बना के, देन आप इनकी पॉटिंग मिक्स तैयार करके आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से इसकी पॉटिंग मिक्स होगी। सेकेंड बात कर लेते हैं इसकी लोकेशन की। लोकेशन इसको कैसी पसंद है, देखो जहाँ अगर हम प्लांट को उसकी जगह अच्छी देंगे वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। अगर आप उसकी जगह मनचाही नहीं देंगे तो प्लांट ग्रो नहीं करेगा। तो इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना होता है। सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हम मिस्टेक करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो प्लांट है वो ग्रोथ नहीं करता, या फिर वो टाइम से पहले सर्वाइव भी नहीं कर पाता हमारे पास। ये कभी कभी हमें ऐसी शिकायत होती है कि भाई हम नर्सरी से तो बहुत अच्छा प्लांट लेकर आए थे, हरा भरा, पता नहीं नर्सरी वाले ने कैसा प्लांट ले दिया कि घर पर आके वो सूख गया। मोस्टली हम लोगों की यही शिकायत रहती है। बट क्या है कि नर्सरी वाला तो हमें सही प्लांट दे रहा है, हम उसकी थोड़ी सी छोटी मोटी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। तो जो इसकी लोकेशन है, इसकी लोकेशन सेमी शेड होनी चाहिए। इसको आप इंडोर भी रख सकते हैं, और जहाँ इसको ब्राइट लाइट मिलती हो वहाँ आप इसको रखें, तो ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। इसको डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत नहीं है।
इसकी जो लीव्स हैं वो थोड़ी सी थिक है, ये भी थोड़ा सा सेकुलेंट फैमिली की तरह बिहेव करता है, तो इसको पानी तब चाहिए जब 1-2 इंच आपकी जो मिट्टी है वो सूख जाए। तो अभी मेरी मिट्टी गीली है, मैंने अभी कुछ देर पहले इसको पानी लगाया है, आप देख सकते हैं इसकी लीफ ये भी वेट है। तो अब मैं इसको 3-4 दिन बाद ही पानी लगाऊंगी। मैंने जो इसका प्लेस है इसको यहीं पर रखा हुआ है, यहाँ से ब्राइट लाइट आती है मॉर्निंग की सनलाइट, उसमें मैंने इसको रखा हुआ है, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। देखिए इसमें कितनी अच्छी फ्लावरिंग भी हो रही है। अभी थोड़ा सा 3 बजे के बाद का टाइम है तो इसलिए फ्लावर थोड़े से मुरझा भी गए हैं, तो इस चीज़ को आप मत देखिएगा। किसी दिन सुबह में मैं आपको इसकी फ्लावरिंग भी दिखाऊंगी। अभी इस तरीके के इस पर फ्लावर्स हैं लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी है इसकी। एंड हाउ टू प्रोपोगेट, इसको हम कैसे आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसकी स्टेम को यहाँ से लीजिए, देखिए अभी एकदम इस तरीके से स्टेम को यहाँ से लीजिए, उसको कट करिए, स्टेम को लीजिए कट करिए, एंड देन इसको प्रोपोगेट करिए। जैसे आप सेकुलेंट प्लांट्स को प्रोपोगेट करते हैं, फिर इसको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दीजिए, बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो दोस्तों ये रही बात बिगोनिया की, बहुत वैरायटी आती है, कोई भी वैरायटी मिले लेकर आइएगा, बहुत सुंदर फ्लावरिंग प्लांट है। तो अगर आपको वीडियो मेरी इन्फॉर्मेटिव लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले प्लांट के साथ, तब तक आप बने रहिए मेरे चैनल हमारा बगीचा पे। प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट बिलो, जो भी आपके कोई डाउट हैं कुछ भी आप ज़रूर बताइएगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। बाय बाय।